सो गाइस, आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ घड़ी के साथ रियाज कैसे करना है ढोलक और तबले का। आज की ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सीरियस है म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए सीरियस हैं। क्योंकि ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो कुछ ले जाएंगे, कुछ सीख कर ले जाएंगे इस वीडियो से। नहीं देखेंगे पूरी, आगे आगे करके देखेंगे तो कुछ नहीं बोल सकते। घड़ी के साथ रियाज करना क्यों ज़रूरी है? मेट्रोनोम दिया है, लहरा और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ रियाज कर सकते हैं, घड़ी के साथ क्यों? मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा और समझाऊंगा कि संगीत एक्चुअली में है क्या। ध्यान से देखते रहिए पूरी वीडियो, स्टार्ट करते हैं। अब पहले, सबसे पहले आप ये समझिए, देखो संगीत बना है तीन चीजों से, सुर, ताल और लय। ये जो मैं अब आपको बातें बताने वाला हूं ना, अभी रियाज का भी बताऊंगा, बजाकर भी दिखाऊंगा हर चीज, पर अभी जो बातें बता रहा हूं ना, ये नॉलेज हर कहीं नहीं मिलेगी। और यही आप आगे और लोगों को बांटिए ज्ञान। मैं तो हमेशा बोलता हूं ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। मैंने अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई की है, करके देखी है, और मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हो, मुझ में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, आप भी सबको बताइएगा। देखिए, सुर, ताल और लय तीन चीज़ों से संगीत बना है, जिसमें से कि एज अ रिदमिस्ट सुर हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर लें हम। बाकी ताल और लय हमारे लिए जरूरी है, जिसमें से कि ताल हम बजाते हैं, ठीक है, ताल हम इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं, पर लय एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी म्यूजिशियन के लिए, सिंगर के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और लय सिखाई नहीं जा सकती, मैं एक बात और बता दूं आपको, इट कम्स नेचुरली, पर जो मैं तरीके आपको बताऊंगा ये अप्लाई करो, लय पक्की होगी। और जिसकी लय पक्की है वो संगीत में ये सोच लो कि बहुत कुछ कर सकता है। लय सब कुछ है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसको थोड़ा थ्योरिटिकली एग्जाम्पल्स के साथ में। देखो, कोई ताल है, ताल बजती है कुछ मात्राओं पे, बीट्स में, जैसे कि कहरवा ताल 8 मात्राएं, 3 ताल 16, दादरा 6 मात्राएं, ये होगी हमारी मेजरमेंट। मतलब कि कोई गाना होगा तो वो 8 मात्रा में चलेगा, वो 6 में चलेगा, वो कितने में चलेगा, मेजरमेंट दे दी हमने सिंगर को कि इसमें वो गाएंगे। लैच वो चीज है कि वो जो मात्राएं हैं वो किस हिसाब से चलेंगी, उन मात्राओं के बीच का गैप क्या होगा, ठीक, ये है लय। लय भी बहुत तरह की होती है, विलंबित लय जो कि बिल्कुल स्लो होती है, मध्या लय जो कि मीडियम होती है, द्रुत लय जो कि तेज होती है। मैं आप लोगों को ये चीजें किताबों में पढ़ने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो जो संगीत की शिक्षा ले रहे हैं वो ये चीजें पढ़ भी रहे होंगे अभी, ठीक है। तीन तरह की लय होती है। अब हमने इसका उपयोग क्यों करना है, देखो मेट्रोनोम भी है हमारे पास, लहरा भी है हमारे पास, खुद से भी रियाज कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, इसके साथ आप कहीं पे भी बैठ के रियाज करो, पार्क में करो बैठकर, ऑफिस में बैठे हो, घड़ी लगी है सामने, बस देखते रहो उसको, माइंड में चलता रहना चाहिए आपके बोल, जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो सब कुछ रियाज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी ये देखिए कि ये अपनी एक, बाय द वे देखो टाइम भी देख लो, मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, रात के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये सुई अपनी एक स्पीड से चल रही है, मेट्रोनोम की एक डिसएडवांटेज, हम उसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्पीड एक है, मेट्रोनोम सुनता है हमें, ये सुनता भी नहीं है हमें, इसको तो सिर्फ देखकर हमने टेम्पो का अंदाज़ा लगाना है, बहुत मुश्किल चीज़ है, और यही आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, ठीक है ना, यही आपको म्यूजिशियन बनाएगी। देखो एक स्पीड पर चल रही है, ठीक। अब आप देख रहे हो घड़ी को, इसके साथ बजाएंगे भी, अब घड़ी को देख रहे हो आप, काउंट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, बोल ले लेते हैं, धा गे ना ती ना क धी ना, धा गे ना ती न क धी, दोगुन, धागे नाति नक धी न, 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 चार गुन कर दिया। अब ये एक गुन, दो गुन, चार गुन है, ये समझ लो, उसका ढोलक पे करते हैं। देखो मैंने मात्राएं समझाई, मैंने लय समझाई आप लोगों को, अब उन मात्राओं पे बोल बजाते हैं हम। मान लो 8 मात्राएं, कहरवा ताल, अब कहरवा ताल वो कैसा भी होएगा, वो कहरवा ताल है, मात्राओं से काउंट होता है, कभी बोलों से काउंट नहीं होता, ये भी कहरवा ताल है,
ये भी कहरवा ताल है। ये भी कहरवा ताल है। अब अलग अलग बोल सारे बजाए। क्यों है ये सारी कहरवा ताल? आठ मात्राएं हैं इसलिए। तो हमेशा मात्राओं से काउंट होती है। जो हम सुनकर पहचान लेते हैं ताल कौन सी बजी है, मात्राओं से। हर चीज मात्रा, बोल बोल छोड़ो, बोल तो कुछ भी बजेंगे, आठ मात्राओं पे कुछ भी बोल बजा दो वो कहरवा ताल है। समझे बात को? ठीक। तो अब एक मात्रा पे अगर एक बोल बज रहा है तो वो हुआ एक गुण। जैसे कि मात्रा में आपको ताली पे ऐसे करके दिखाऊंगा या फिर ताली पे ताली ही कर, लगा देता हूं और साथ में बोल बोलूंगा। देखो, धा गे ना ती न क धी ना, दो गुण करो, धा गे ना ती न क धी न, धा गे ना ती न क धी न। अब क्या हुआ, दो दो साइकिल्स कवर हो गई आठ मात्रा में हमारी, क्योंकि हमने उसका दो गुण कर दिया था। ऐसी चार गुण, धागे नाती। अभी एक मैंने मात्रा दिखाई आप लोगों को, चार बोल बोल दिए, धागे नाती है ना, धागे नाती नक दीना, धागे नाती नक दीना, धागे नाती नक दीना, धागे नाती नक दीना, चार गुण हो गया। ये हो गया लय, अलग अलग तरीके की लय, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब जरा घड़ी को देखते रहिए, इसको हम थोड़ा ऐसे रख देते हैं जिससे कि आप लोग इसको देख भी पाए और हम बजा भी पाए इसके साथ। कैसे तैयारी करनी है, मान लो ढोलक भी आपके पास है, घड़ी भी आपके पास है। देखो, एक दो तीन, पहले समझना है टेम्पो क्या चल रहा है, क्या है उसकी चाल। ठीक है, एक बार और, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, धी त धी न ती ट धी न, धिट धीन तिट धीन, धिट धीन तिट धीन। ठीक, ऐसे आप ढोलक पे बजाएंगे, जैसे कि धी ट धी न, टी ट धी न, धिट धी न, टिट धी न, मैं घड़ी को देख भी नहीं रहा था, ना मुझे सुन रहा है कुछ, ना मुझे दिख रहा है। एक बार बस इसने लय दे दी मुझे, तो मैं उसी लय पे बजाना स्टार्ट कर दिया। पर बिगिनर के लिए देखते रहो उसको, बजाओ वो आपको लय दे रही है। ठीक है, सिंगल में बजाओ, डबल में बजाओ, एक गुण करो, दो गुण करो, चार गुण करो उसके। कोई भी मात्रा इसमें कोई भी ताल इसमें लगेगी, करो इसके साथ तैयारी। मैंने क्यों बोला कि आप घड़ी के साथ बजाएंगे, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, अगली वीडियो में मेट्रोनोम के साथ पूरा बता दूंगा, दोनों को कंपेयर भी कर दूंगा एक ही वीडियो में, तैयारी कैसे करनी है। पर जो मैं बातें बता रहा हूं, बस उसको समझ लो, दिमाग में बिठा लो। एक बार टेम्पो आप समझ गए ना, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी भी गाने से बाहर नहीं होंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। और ग्रुप क्लासेस याद है ना, कॉन्टैक्ट करो जल्दी जल्दी, ग्रुप क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।